बायोकेमिस्ट्री के सेशन में कि जैसे M1 V1 M2 V2 का कॉन्सेप्ट होता है, एग्जैक्टली ये कॉन्सेप्ट होता है EP1 E2 P2 E1 P1 E2 P2 का, मतलब एनर्जी ऑफ द फर्स्ट मीडियम, परमिटिविटी ऑफ द फर्स्ट मीडियम एंड E2 इज द एनर्जी ऑफ सेकंड मीडियम, P2 इज द परमिटिविटी ऑफ द सेकंड मीडियम। जब अगर आप इस पे देखोगे तो आराम से क्या है, E2 P2 यहाँ पे दिया हुआ है कि एक वाटर में दो एटम के बीच की एनर्जी है -6 kJ/mol और उनकी जो परमिटिविटी है 80 है। तो वैक्यूम में उनके बीच की एनर्जी क्या होगी, तो वैक्यूम का परमिटिविटी जो होता है वो होता है 1 और यहाँ पे 1 रखिया और यहाँ पे E1 P1 रखिया, -6 kJ, ये 80 आ गया। जब इसको सॉल्व करोगे तो आपका आंसर जाएगा -480। ये आंसर यहाँ पे दिया हुआ है फॉर द वेरिफिकेशन। जी वेरी गुड इवनिंग प्रेरणा एंड सुस्मिता, इज इट क्लियर? ये सब क्वेश्चन कर चुका हूं मैं, ठीक है? ये सब क्वेश्चन बायोकेमिस्ट्री में करवाया जा चुका है आप लोगों से 2019 बायोकेमिस्ट्री। मैं पूरा एक्सेल बीटी सब उठाऊंगा, ठीक है? सो सॉल्व करने की कोशिश करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन, ठीक है जी? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखने की कोशिश करते हैं। This one, ये क्वेश्चन भी करवाया जा, अभी एक E1 P1 E2 P2 देखा था, यहाँ पे M1 V1 M2 V2 देखना है, ठीक है? एक सॉल्यूशन है जिसका 0.1 मोलर सॉल्यूशन दिया हुआ है और स्टॉक सॉल्यूशन है, पूछा जा रहा है कि इसका कितना वॉल्यूम चाहिए आपके 0.1 ml और 0.0005 मोलर सॉल्यूशन बनाने के लिए। सो M1 दिया है 0.1 मोलर जो कि यहां पे दिया हुआ है, M2 आपका दिया हुआ है 0.005 मोलर, V1 आपसे पूछा है और V2 दिया है 0.5 मोलर। वही फॉर्मूला M1 V1 is equal to M2 V2, V1 पूछा है तो M1 को नीचे ले आइए, पुट करिए सारी वैल्यूज को, सॉल्व करेंगे 0.0025 ml। ये भी करवाया जा चुका है आपसे क्वेश्चन, इज इट क्लियर? ये आपका क्वेश्चन बायोकेमिस्ट्री 2019 का है। नाउ आगे देखिएगा, ये क्वेश्चन बड़ा ही इजी क्वेश्चन है, मैंने बताया था डेल्टा जी को बस आपको देखना होता है कि उल्टा करके जोड़ना है कि सीधा करके जोड़ना है, ठीक है? वेरी गुड इवनिंग उर्वशी, वेलकम टू द सेशन। दैट द स्टैंडर्ड फ्री एनर्जी वैल्यू ऑफ द रिएक्शंस कैटलाइज्ड बाय द साइट्रेट लाइगेज, ठीक है? इसमें एक -670 दिया है, -8192 दिया है। देखिएगा साइट्रेट कन्वर्ट हो रहा है ऑक्सिलो एसिटेट में इस तरीके से, जिसकी एनर्जी -670। एसिटाइल को ए, ऑक्सिलो एसिटेट और H2O यहाँ साइट्रेट में कन्वर्ट हो रहा है कोएंजाइम ए, जिसकी डेल्टा G2 दिया है यहाँ पे क्या, दैट इज द -8192। पूछा क्या, द स्टैंडर्ड फ्री एनर्जी ऑफ एसिटाइल को ए हाइड्रोलिसिस, मतलब कि एसिटाइल के को ए का हाइड्रोलिसिस मतलब क्या कि टूटना, हाइड्रोलिसिस मतलब यही इक्वेशन पूछना चाह रहा कि कैसे टूटेगा। इन दोनों इक्वेशन को कपल कर दोगे, देखो साइट्रेट यहां से कैंसिल, साइट्रेट यहां इस साइड से कैंसिल हो जाएगा, ऑक्सिलो एसिटेट यहां से कैंसिल हो जाएगा, सो सीधा सीधा आ जाएगा एसिटाइल को ए की हाइड्रोलिसिस हो जाएगी, H2O जुड़ेगा और वो कन्वर्ट हो जाएगा किसमें, एसिटेट में और कोएंजाइम ए में। सो वो हाइड्रोलिसिस अगर इक्वेशन की बात करोगे यहाँ पे, जब दोनों इक्वेशन को जोड़ोगे तो इक्वेशन के बाद क्या जाएगा, ये कुछ इस तरीके से कटेगा, ठीक है? ये इक्वेशन इससे कटेगा और ये कटेगा इससे, दोनों को जोड़ने के बाद, तो ये आ जाएगा एसिटाइल को ए, एसिटाइल को ए आ जाएगा, ये प्लस होगा H2O से, ये कन्वर्ट होगा एसिटेट में एंड को ए में, एसिटेट एंड प्लस को ए में। तो दोनों इक्वेशन को जोड़ दीजिए, -8192 -670, ये वैल्यू आ जाएगी -8862। इज इट क्लियर? इट इज द कॉन्सेप्ट ऑफ एनर्जी कपलिंग। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर दिस, ये क्वेश्चन एक्सेल 2016 बायोकेमिस्ट्री का है। क्या है क्वेश्चन जरा सा देखना, बड़ा ही सिंपल सा क्वेश्चन है। क्या क्वेश्चन दिया हुआ है, फॉस्फोग्लूको आइसोमरेज वॉज इंक्यूबेटेड विद द 0.2 मोलर ग्लूकोज 6 फॉस्फेट ऑन रीचिंग द इक्विलिब्रियम, मतलब क्या इंक्यूबेट किया गया, ग्लूकोज 6 फॉस्फेट से इंक्यूबेट किया गया, ये कन्वर्ट हो रहा है किसमें, ये कन्वर्ट हो रहा है फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट में, ये बोल रहा है ऑन रीचिंग टू द इक्विलिब्रियम। इनिशियली ये था 0.2 मोलर और ये था 0, इक्विलिब्रियम पे पहुंच रहा है तो 55% ऑफ 0.2 मोलर वाज कन्वर्टेड, वो किसमें हो जा रहा था, फ्रक्टोज में कन्वर्ट हो गया, ठीक है? 55% कन्वर्ट हो गया, यानी कि 55% कन्वर्ट हो गया। जरा सा इसको देखना जी, अगर मैं कहूं कि 55% कन्वर्ट हो गया इसमें,
ठीक है 0.2 मिलर, तो यहाँ पे क्या बचेगा 45%, यहाँ पे क्या बचेगा 45% बचना चाहिए, येस और नो? वेरी गुड इवनिंग रूबी, वेलकम टू द सेशन, समझ में आ रहा है? तो इसका 45% ऑफ 0.2 जरा सा सॉल्व करके बताओ कितना आ रहा है जी, 45% सॉल्व करोगे तो ये आएगा 0.09, ये आएगा 0. कैलकुलेटर लेके बैठना, आप ही से कैलकुलेट कराने वाला हूं जो क्वेश्चंस नए होंगे, बाकी तो क्वेश्चंस आप काफी कर चुके होंगे, बाकी नए जो होंगे इस तरीके से चलेंगे। देखिएगा 50% क्या हो जाएगा, 55% क्या हो जाएगा, 0.11 होना चाहिए, 0.11 55% जी बिल्कुल। पूछा क्या है, ये पूछा है द इक्विलिब्रियम कांस्टेंट। इक्विलिब्रियम कांस्टेंट क्या होता है, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट होता है प्रोडक्ट अपॉन रिएक्टेंट। प्रोडक्ट कितना है 0.11 मोलर और रिएक्टेंट कितना है 0.09, सॉल्व करोगे कितना आ रहा है 1.23 आपके आसपास आएगा, 1.23 या 22। क्लियर है जी, सिंपल रिएक्शन काइनेटिक्स का क्वेश्चन है ये, रिएक्शन 22 आ रहा है, चलो अच्छी बात है 22 आएगा बिल्कुल, ठीक है। डायरेक्ट 55 करोगे तो गलत आएगा, ठीक है गलत आएगा, क्यों जरा 55 और 45 करना, तो 55 अपन 45 करो कितना आ रहा है ये, यस यू कैन डू दैट, यस 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 यू कैन डू दैट, ठीक है आप कर सकते हो, क्योंकि कॉन्सेंट्रेशन परसेंटेज जो होगा आप डायरेक्ट इसको ये भी कर सकते हो बिल्कुल, क्योंकि दोनों में परसेंट ये तो सेम है ना, ये जब सेम है तो आप इसको इस तरीके से भी सॉल्व कर सकते हो, यू कैन यूज द शॉर्ट ट्रिक ऑल्सो, यस एग्जैक्टली, कि आप इस पे ये भी सॉल्व कर सकते हो कि डायरेक्ट जितना परसेंटेज कन्वर्ट हो रहा है, प्रोडक्ट हो रहा है 55% और रिएक्टेंट होगा 45%, इससे भी आप सॉल्व कर सकते हो, तो ये आ जाएगा 1.22, यस यू कैन डू दैट, ओके सेम आएगा ये। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, एक्सेल 2016 बायोकेमिस्ट्री डेल्टा जी फ्री एनर्जी का क्वेश्चन है जी, क्या क्वेश्चन है कि फॉर द मैलेट डिहाइड्रोजिनेज कैटेलाइज स्टेप्स क्रेब्स साइकिल का ये दिया हुआ है +71 kcal पर मोल, नेवरदलेस द कन्वर्जन ऑफ मैलेट टू ऑक्सिलोसेटेड इन वीवो प्रोसीड स्पॉन्टेनियसली बिकॉज द subsequent reaction that consumes oxaloacetate has delta G। अगर इस ये है यहाँ पे, अगर solution के बारे में बात करो तो solution के बारे में देखना कि दिया हुआ है +7.1 kcal, इसका मतलब है कि ये non spontaneous है, इसका मतलब है कि ये क्या है non spontaneous है, और इसको अगर spontaneous बनाना हो, अगर spontaneous बनाना हो, इसको spontaneous बनाना हो तो obvious ही बात है यहाँ पे जो डेल्टा जी चाहिए वो डेल्टा जी must be greater than -7.1 kcal, समझ में आ रहा है, 7.1 से तो ज्यादा ही होना चाहिए, 7.1 से तो ज्यादा ही होना चाहिए और निगेटिव में होना चाहिए, तभी जाके ओवरऑल निगेटिव आएगा, और उसमें से सिर्फ और सिर्फ एक ऑप्शन आ रहा है, दैट इज द सी ऑप्शन, ठीक है द ओनली सी ऑप्शन, जो कि इसके निगेटिव से ज्यादा है जो कि इसको कन्वर्ट करेगा। क्लियर है जी, बेसिक कॉन्सेप्ट है, कुछ डिफिकल्ट नहीं है। चलो गेट बायोटेक्नोलॉजी 2018 का क्वेश्चन है, ये जो क्वेश्चन आया है, ये क्वेश्चन आप जो देख रहे हो ये है गेट बायोटेक्नोलॉजी 2018 का। आपको बता दूं कि गेट बायोटेक्नोलॉजी लाइफ साइंस के क्वेश्चंस जो होते हैं, जो बायोटेक्नोलॉजी के कैंडिडेट्स हैं, आप अपने आप में खुश फील किया करें, क्योंकि आपके लेवल क्वेश्चन जो होता है वो थोड़ा ज्यादा होता है, ठीक है क्वेश्चन का लेवल जो होता है थोड़ा सा अच्छा होता है लाइफ साइंस के न्यूमेरिकल से, बायोटेक्नोलॉजी के न्यूमेरिकल लाइफ साइंस से थोड़े से अच्छे होते हैं, ठीक है। नाउ द इक्विलिब्रियम पोटेंशियल ऑफ द बायोलॉजिकल मेम्ब्रेन, ये बायोलॉजिकल मेम्ब्रेन में सोडियम का दिया हुआ 55 एंड कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सोडियम इन साइड द सेल इज 20 मोलर, एज्यूमिंग दैट द परमिएबल टू सोडियम ओनली दैट द Na+ कॉन्सेंट्रेशन आउटसाइड द सेल मेम्ब्रेन इज, ठीक है इस यहाँ पे फैराडे कांस्टेंट दिया हुआ है, गैस कांस्टेंट की वैल्यू दी हुई है, इसका सिंपल सा वही आप यूज करेंगे। देखिए व्हाट शुड बी द सॉल्यूशन, सॉल्यूशन क्या होना चाहिए, देखिए आप लोग को सॉल्व करने की जरूरत नहीं है, जस्ट ट्राई टू अंडरस्टैंड व्हाट शुड बी द अप्रोच, अगर अप्रोच समझ जाएंगे तो कोई भी क्वेश्चन आएगा सॉल्व कर लेंगे, आप लोग अपने से सेल्फ प्रैक्टिस कर सकते हो बाद में। व्हाट शुड बी योर अप्रोच हियर, ये एक फॉर्मूला होता है जिसको बोलते हैं डेल्टा जी, ठीक है सी हियर, पूरा क्वेश्चन देखिएगा, देखिएगा क्या है यहाँ पे फॉर्मूला, एनर्जी का इक्वेशन अगर ट्रांसपोर्ट होता है तो इक्वेशन होता है डेल्टा जी इज इक्वल टू आर टी एल एन इन अपॉन आउट, यहाँ पे इन अपॉन आउट प्लस जेड एफ साई,
जेड एफ साई होगा। अब इन अपॉन आउट क्यों होगा जी, इन अपॉन आउट क्यों होगा, इसके पीछे बड़ा सी कहानी चलती है। क्या है देखिएगा, क्या दिया हुआ है कि इक्विलिब्रियम पोटेंशियल 50 मिली वोल्ट दिया है, कॉन्सेंट्रेशन अंदर दिया है, ये दिया है, परमिएबल है। सोडियम का ट्रांसपोर्ट कहां होता है, सोडियम का ट्रांसपोर्ट आउट टू इन होता है, ठीक है। एज्यूमिंग दैट आउट टू इन, कॉन्सेंट्रेशन जो पूछा है आउट के बारे में पूछा है, डिपेंड्स ऑन द क्वेश्चन, ठीक है। क्वेश्चन के ऊपर दिया हुआ है कि इक्विलिब्रियम पोटेंशियल ऑफ द बायोलॉजिकल मेम्ब्रेन फॉर द सोडियम एन इज 55 मिलीवोल्ट, Na इनसाइड द 20 मिलीमोलर, एज्यूमिंग द मेम्ब्रेन पोटेंशियल आउटसाइड पूछा जा रहा है, ठीक है। अब देखने की कोशिश करना कि कैसे इस तरीके से चलेंगे। अगर आप आउट और इन कभी कंफ्यूज भी कर जाते हो तो एक चीज हमेशा ध्यान देना, अगर आउट और इन कभी उल्टा भी हो जाएगा ना, मैं बता रहा हूं कुछ अंतर नहीं आएगा, कोई डिफरेंस नहीं आएगा, सिर्फ साइन का डिफरेंस आएगा, तो ओनली डिफरेंस विद द साइन। ये मैं पहले भी बता चुका हूं कि अगर निगेटिव हटाना होता है तो ln n आपको n नॉट कर देते थे, यही बताया हूं ऊपर से नीचे, ओनली डिफरेंस विद द साइन, तो वैल्यू में चेंज नहीं आएगा। और कॉन्सेंट्रेशन अगर कभी निगेटिव तो आ नहीं सकता, अगर कुछ चेंज भी हुआ ना तो कॉन्सेंट्रेशन निगेटिव तो आ नहीं सकता, समझ में आ रहा है, कॉन्सेंट्रेशन निगेटिव कभी नहीं आएगा। तो अगर निगेटिव आता है तो बस समझ लेना कि आपने उल्टा लिया था रेशियो, वैल्यू वही रहेगा, ये याद रखना, सिर्फ निगेटिव का चेंज होगा, वैल्यू का चेंज नहीं होगा। तो कभी ये टेंशन मत लेना कि ऊपर नीचे क्या करना है, सिर्फ साइन का चेंज आएगा और ज्यादा चेंज नहीं आने वाला है। नाउ आप देखिएगा, इक्विलिब्रियम पोटेंशियल दिया है 55 मिलीवोल्ट, इसको मोल्ट में कन्वर्ट करो, टी को केल्विन में कन्वर्ट करो, सोडियम इन 20 मिलीवोलर है, फैराडे कांस्टेंट दिया है, आर की वैल्यू दिया है, जेड होता है सोडियम के लिए 1, और इक्विलिब्रियम पे डेल्टा जी की वैल्यू होती है 0, तो डेल्टा जी को करो 0, आरटी ln n इन अपॉन n आउट को यहां पे जेड एफ साई किया, जेड एफ साई एक को इधर भेजा तो माइनस जेड एफ साई हो गया। इस वैल्यू को सॉल्व करने की कोशिश करना, ये आरटी ln आरटी को इधर भेज दिया, जेड एफ साई माइनस जेड एफ साई डिवाइडेड बाई आरटी, ये फॉर्मूला हो गया। अब पूरा वैल्यू रखो यहाँ पे, जेड की वैल्यू रखो 1, F की वैल्यू, साई की वैल्यू रखा मिली वोल्ट को वोल्ट में रख के किया है, यहाँ पे R की वैल्यू, T की वैल्यू सॉल्व करेंगे तो -2.394 आ रहा है, -2.394। अब देखो कि यही चीज निगेटिव आ रही थी, जो आपने अभी बताया कि आउट प्रोडक्ट अपॉन रिएक्टेंट होता है, एग्जैक्टली सोडियम जो होता है जो ट्रांसपोर्ट होता है, देखिएगा बस आपको बताने जा रहा हूं कि सोडियम क्या होता है, अंदर से बाहर की तरफ जाता है, सोडियम का मूवमेंट होता है इन टू आउट होता है। तो यहां पे अगर के की वैल्यू आनी चाहिए आउट टू इन, ठीक है, के की वैल्यू आउट टू इन। यहां पे देखो ये जो नेगेटिव आया है, अपने आप इसको हटाने के लिए मैंने आउट टू इन कर दिया, सही आ गया, वही चीज है जो एग्जैक्टली आप अभी मधु बता रहे थे, तो एग्जैक्टली वही चीज है, कुछ डिफरेंस नहीं है, बस वही चीज है कि अगर निगेटिव आ रहा है तो चेंज करके आप अपने सही जगह पे पहुंच जाओगे, कुछ भी लोगे वो आ जाने वाला है। नाउ अब देखेंगे आउट और इन को लेके चलेंगे, तो यहाँ पे क्या करेंगे, आउट जो है, आउट और इन हो गया, एल एन को हटाएंगे तो इस वैल्यू को ई के पावर में ले आएंगे, जैसे कि यहाँ पे देख सकते हैं ई के पावर में ले आएंगे आप यहाँ पे, सो इसके ई के पावर सोडियम इन, इन की वैल्यू दी हुई थी, आउट की वैल्यू मल्टीप्लाई कर दो थी, 169 कहते हैं मिलीमोलर आ जाएगा, ठीक है, क्लियर है कैसे प्रोसीड करना था। ये फॉर्मूला याद रखना बहुत इंपॉर्टेंट है, ये फॉर्मूला बहुत इंपॉर्टेंट है, चाहे किसी भी एग्जाम के लिए, एक्सेल बायोटेक दोनों के लिए, अभी इससे क्वेश्चंस और आएंगे, आगे मूव करता हूं, कुछ और क्वेश्चंस देखता हूं। नाउ देखना एक क्वेश्चन फिर से फ्री एनर्जी पे है, 2017 गेट का है, ये गेट के 2000 बायोटेक्नोलॉजी 2017, द स्टैंडर्ड फ्री एनर्जी चेंज फॉर द एटीपी हाइड्रोलिसिस इज -30 किलो जूल पर मोल, ठीक है, कुछ वर्ड्स आपको कट रहे होंगे, परेशान मत होइएगा, मैं रीड कर देना हूं, द स्टैंडर्ड फ्री एनर्जी डेल्टा जी नॉट फॉर द एटीपी हाइड्रोलिसिस इज -30 किलो जूल पर मोल, द इन विट्रो कंसेंट्रेशन ऑफ एटीपी एडीपी एंड पीआई दिया हुआ है 7.9, 1.04, 7.90 रिस्पेक्टिवली, व्हेन द ईकोलाई सेल्स आर कल्चर्ड एट द 37 डिग्री सेंटीग्रेड द फ्री एनर्जी चेंज फॉर द एटीपी हाइड्रोलिसिस इन विवो इन किलो जूल, ठीक है, ये आपके आ रहे हैं कि किलो जूल पर मोल में बताना है कि क्या होगा, किसकी, एटीपी हाइड्रोलिसिस की, क्या पूछा है, एटीपी सिंथेसिस और एटीपी हाइड्रोलिसिस, याद रखना जी, ये कभी कभी बहुत कंफ्यूजन होता है, याद रखना क्या होता है, पहले एटीपी, ठीक है, मैं कलर चेंज कर दे रहा हूं ताकि आपको समझ में आए, एटीपी सिंथेसिस, ठीक है, एटीपी सिंथेसिस जब होगा तो इसका इक्वेशन होता है एडीपी प्लस पीआई, ये बनेगा एटीपी में, ठीक है, ये होता है जब सिंथेसिस हो, अगर मैं बोलता हूं कि यहाँ पे हाइड्रोलिसिस हो रहा जी, अगर हाइड्रोलिसिस होगा तो
एटीपी के हाइड्रोलिसिस की बात करूं, अगर एटीपी के हाइड्रोलिसिस की बात करूं तो ये इक्वेशन उल्टा हो जाता है, एटीपी चेंज टू द एडीपी प्लस पीआई। समझ में आ रहा है ना? ब्रेकडाउन और फॉर्मेशन में ध्यान देना कि पूछा क्या है, यहाँ पे हाइड्रोलिसिस पूछा है, तो इक्वेशन नंबर कौन सा यूज होगा, पहला या दूसरा? इक्वेशन नंबर दूसरा यूज होगा, और उसके लिए उसी हिसाब से क्या हो जाएगा, उसी हिसाब से आपकी सारी वैल्यू चेंज हो जाएंगी। माइनस डेल्टा जी की वैल्यू दिया हुआ है -30, जी नॉट की वैल्यू ऑलरेडी दिया हुआ है, एटीपी इतना दिया है, एडीपी ये दिया है, पीआई ये दिया है, कॉन्सेंट्रेशन ऑलरेडी दिया है यहाँ पे, टेम्परेचर 37 से केल्विन में कन्वर्ट करेंगे 310, फिर वैल्यू रखेंगे डेल्टा जी इज इक्वल टू डेल्टा जी नॉट प्लस आरटीएलएन के, बता चुका हूं। के की वैल्यू क्या होगी फॉर द सेकंड इक्वेशन के हिसाब से प्रोडक्ट अपॉन रिएक्टेंट, यानी एडीपी इनटू पीआई डिवाइडेड बाय एटीपी, यहां पे वैल्यू रख के सॉल्व कर लेना, ये आ जाएगा 1.04 इनटू 10 टू पावर माइनस 3। रखने के बाद आप इसको के को यहां पे पुट कर दो एलएन के पे, आर टी की वैल्यू रख दो, आर की वैल्यू इतनी आ जाएगी किलो जूल में, और 310 रख देना, ये रहा किलो जूल में, पूरे पूरे वैल्यू को इस तरीके से सॉल्व करोगे आ जाएगा -47 किलो जूल पर मोल।